रॉयल्स ने ना आप चार मैचेस लगातार हारी है, मोमेंटम जो शुरू में मिला था उसको पूरी तरह से खोया है। एक चीज पे तवज्जो देना होगा सभी फ्रेंचाइज को और आईपीएल को भी कि जो ओवरसीज खिलाड़ी आते हैं ना, अगर वो पूरा सीजन अवेलेबल नहीं है तो उनको पहले से बताना होगा, नहीं तो उन्हें पिक ना करो, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्रेंचाइज को बड़ा नुकसान होता है। जॉस बटलर दो मैचेस अवेलेबल नहीं है आखिरी की लीग की, जहां पर राजस्थान को उनकी जरूरत है, और फिर प्लेऑफ में भी अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत बड़ा प्लेयर मिस करता है, टीम आधी कमजोर हो जाती है, इस चीज पे बहुत तवज्जो देना होगा। वहीं पे पंजाब पे अगर नजर डालेंगे, वहां भी खिलाड़ी जा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन ये जो रूल है वो सबके लिए होना चाहिए। कंट्री पहले, मैं अग्री करता हूं, होनी भी चाहिए, पर जब आप कमिटमेंट करते हैं किसी भी टीम को, क्योंकि ये तो टीम गेम है ना, खाली प्लेयर का गेम नहीं है ये कि भाई एक सिंगल प्लेयर खेल रहा है, ये पूरी टीम का है, तो आप पूरी टीम को लेट डाउन करते हैं, तो भाई आए तो पूरा आईपीएल खेलो वरना ना आओ। ये मेरा मानना है, फैंस क्या कहते हैं, और मुझे लगता है कि कड़े रूल बनने चाहिए। रॉयल्स ने ना आप चार मैचेस लगातार हारी है, मोमेंटम जो शुरू में मिला था उसको पूरी तरह से खोया है। एक चीज पे तवज्जो देना होगा सभी फ्रेंचाइज को और आईपीएल को भी कि जो ओवरसीज खिलाड़ी आते हैं ना, अगर वो पूरा सीजन अवेलेबल नहीं है तो उनको पहले से बताना होगा, नहीं तो उन्हें पिक ना करो, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्रेंचाइज को बड़ा नुकसान होता है। जॉस बटलर दो मैचेस अवेलेबल नहीं है आखिरी की लीग की, जहां पर राजस्थान को उनकी जरूरत है, और फिर प्लेऑफ में भी अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत बड़ा प्लेयर मिस करता है, टीम आधी कमजोर हो जाती है, इस चीज पे बहुत तवज्जो देना होगा। वहीं पे पंजाब पे अगर नजर डालेंगे, वहां भी खिलाड़ी जा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन ये जो रूल है वो सबके लिए होना चाहिए। कंट्री पहले, मैं अग्री करता हूं, होनी भी चाहिए, पर जब आप कमिटमेंट करते हैं किसी भी टीम को, क्योंकि ये तो टीम गेम है ना, खाली प्लेयर का गेम नहीं है ये कि भाई एक सिंगल प्लेयर खेल रहा है, ये पूरी टीम का है, तो आप पूरी टीम को लेट डाउन करते हैं, तो भाई आए तो पूरा आईपीएल खेलो वरना ना आओ। ये मेरा मानना है, फैंस क्या कहते हैं, और मुझे लगता है कि कड़े रूल बनने चाहिए।